20 फरवरी को डीलिंग रूम्स में किन दो शेयर्स में डीलर्स ने जमकर बिकवाली कराई है, जानिए ये शेयर्स आगे और कितना गिर सकते हैं। इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी 20 फरवरी को बाजार में बिकवाली देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों, फार्मा स्टॉक्स और एनर्जी शेयरों में बिकवाली नजर आई। 20 फरवरी के दिन मेटल, पीएससी, रियल्टी, एफएमसीजी शेयरों में दबाव देखने को मिला। वहीं बाजार में ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स पर फोकस रहा है, चलिए आपको बताते हैं। एसबीआई आज इस दिग्गज सरकारी बैंक के स्टॉक में बिकवाली होती हुई नजर आई। सरकारी बैंकों में से सबसे बड़े बैंक एसबीआई पर डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स को बिकवाली करने की सलाह दी। डीलर्स का कहना है कि पीएसयू बैंकों में एफआईआई ने बिकवाली की है। डीलर्स के मुताबिक शेयर 10 से 15 रुपए घट सकता है। 20 फरवरी को शेयर में लॉन्ग सौदे काटे गए, साथ ही इसमें 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट घटा हुआ दिखाई दिया। पेट्रोनेट दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने पेट्रोनेट में शॉर्ट करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी है। उनके मुताबिक 20 फरवरी को शेयर में नए शॉर्ट बने हैं, हालांकि इसके ओपन इंटरेस्ट में 6% की बढ़त देखने को मिली है। डीलर्स के मुताबिक शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये शेयर 200 से 205 रुपए के स्तर तक गिर सकता है। बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी है, डीलर्स ने आज कौन से शेयर्स खरीदे और बेचे हैं, आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं, किस वजह से डीलिंग रूम्स में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है, या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है, निवेशक आज किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की 2री सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज़ करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।